बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। डीएसपी शेख आदिल गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वही डीएसपी शेख आदिल हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से काम कर रहे थे, और गालिबन 7.5-8 सालों का इनका पुलिसिंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो था। कल 2:45 के आसपास का वक्त था, 1:45-1:46 के आसपास एक खबर आती है कि डीएसपी शेख आदिल से पूछताछ हो रही है और मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो। कल ये सिर्फ कयास रही हैं या अंदाजे लगाए जा रहे थे, और तकरीबन 1:47 के आसपास हमारे जराया ने हमें बताया कि शेख आदिल जो हैं वो एसपी साउथ और एसडीपीओ पंथा चौक की तरफ से एक कार्रवाई की जाती है दो अलग अलग मकामात पर, डीएसपी शेख आदिल और दूसरी तरफ एसपी साउथ और उनके भाई की तरफ से, उनके भाई पर रेड की जाती है एसडीपीओ पंथा चौक की तरफ से। ऑफिशियल कन्फर्मेशन बाद में जाकर थोड़ी लेट ज़रूर हुई, लेकिन ठीक 24 घंटों के बाद इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं और श्रीनगर पुलिस ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेख आदिल गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला करप्शन का है, जो अभी तक जो मुबैना तौर पर रिश्वत के इल्ज़ाम किए जा रहे थे उसमें पुलिस के पास शायद कुछ क्लूज़ होंगे, और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले शेख आदिल, जिनका कुछ शायद इस तरीके का किरदार रहा है या कहीं से बात सामने आई, कुछ शिकायतें मौसूल हुई जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। साल 2015 की कश्मीर पुलिस सर्विसेज यानी केपीएस की ये जो का जो बैच 2015 का था उसका हिस्सा है, उस वक्त पास आउट हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुरुआती दौर में ये बहुत सारे एरियाज़ के अंदर बतौर एसडीपीओ काम करते रहे, और इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता रहा। लेकिन अब तक शायद उनके इस प्रोफेशनल करियर का ये बुरा दिन, आज उनकी ऑफिशियली गिरफ्तारी की कन्फर्मेशन श्रीनगर पुलिस की कर दी गई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि एंटी स्टेट या एंटी नेशन, आप कह सकते हैं कि मुल्क या रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ जो लोग करते थे उसमें अगर किसी ने सॉफ्ट टेररिज्म का भी हिस्सा बनकर कार्रवाई की है, किसी भी तरीके से मुल्क के खिलाफ अपना नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहीं। सरकारी मुलाजमीन जिनमें अफसरान भी थे उनको बरतरफ किया गया, लेकिन शेख आदिल जो है उन पर ये मामला अलग है। वो अब क्योंकि केस जब कोर्ट तक जाएगा जाहिर है वो भी अपनी बात रखेंगे। सिक्योरिटी रिलेटेड इशू या काउंटर टेररिज्म पर जब जब कार्रवाई की बात हुई तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, लेकिन आज जो नाम सामने आया वो शेख आदिल का महज इसलिए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अमल में जब लाई गई है तो करप्शन के चार्जेस की तस्दीक खुद पुलिस की जानिब से की गई है। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। जो जो धाराएँ, जो जो सेक्शंस, जो जो शिकें इस्तेमाल करके उन पर चार्जेस लगे हैं। डीएसपी गुज़श्ता रोज़ याद होगा कि जब इन पर कार्रवाई हुई तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मामलात सामने आए। बीएसएनएल एक्सचेंज सनत नगर श्रीनगर, जहाँ पर ये हाल इनका है और अभी यहाँ पर रह रहे थे, और हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि जब कार्रवाई हुई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इनके घर से पकड़े गए, और इनके घर से नहीं आए इस करप्शन केस में, तो बहुत सारे और अफसरान भी अभी शिकंजे में आ सकते हैं, और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, सीनियर ऑफिशल्स गिरफ्तार हो सकते हैं। और अभी तक की इतलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने FIR नंबर 149 ऑफ 2023 2023 सेक्शंस जो लगी हैं जिसमें अभी तक तहकीकात चल रही है, 167, 193, 201, 210, 218, 221 इंडियन पेनल कोड यानी IPC जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा 7-7A करप्शन एक्ट, पुलिस स्टेशन नौगाम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तहकीकात चल रही है। ये वही शेख आदिल हैं जिनको जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, तस्वीर तो आपने शुरुआत में देखी होगी, ये वही शेख आदिल साहब हैं जो नौजवान हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, प्रोफेशनलिज्म का एक ज़बरदस्त रोल इनका रहा है या प्रोफेशनलिज्म दिखाने में, वो अलग बात है कि आज चार्जेस लगे तो जब सबूत मुकम्मल तौर पर पुलिस के पास होंगे तभी गिरफ्तारी हुई होगी। अब जब आगे कार्रवाई बढ़ेगी तो कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना होगा कि यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये चीज़ ज़रूर है कि सोशल मीडिया सेंसेशन नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर हमने देखा है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जब थे तो पकड़ पकड़ कर लोगों को समझाते थे कि भैया आप ट्रैफिक रूल्स की कवायद व जवाबित की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो फ्रेम किए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करें, और बहुत सारे लोगों को सड़क हादसात से होते होते बचाया भी है। न जाने क्या नज़र इनको लगी, क्या मामलात हैं, और हमारे पास जो खबर हमारे ज़राए से है कि जो FIR लगी है इसमें बहुत सारे लोगों के बड़े प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं विद इन पुलिस और आउटसाइड द पुलिस डिपार्टमेंट, जिन पर गाज गिर सकते और गिरफ्तारियां हो सकती है। बहरहाल अभी खबर यह है कि शेख आदिल गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पुलिस महकमे में साल 2015 के बाद KPS क्वालिफाई करने के बाद मुसलसल काम तो कर ही रहे थे,
और आज उनकी गिरफ्तारी करप्शन केस में हुई है।